इंदौर की ग्रामीण सीट सावेर से कांग्रेस के कद्दावर नेता तुलसी सिलावट पर सावेर की जनता ने एक बार फिर विश्वास जताया है और इसी विश्वास के चलते उन्हें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय सौंपा है। देखिए रिपोर्ट। तुलसी राम सिलावट की गिनती मालवा के उन दिग्गज नेताओं में होती है जिन्होंने अपनी राजनीति के दम पर इंदौर का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया, लेकिन यह राह इतनी भी आसान नहीं है। इंदौर के समीप ग्राम प्योड़ाय के किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। ठाकुर दीन सिलावट के पुत्र तुलसीराम सिलावट ने राजनीति शास्त्र से एमए किया, वहीं इंदौर के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे। एक साधारण परिवार में जन्मे तुलसीराम सिलावट ने बचपन से ही संघर्ष की राह चुनी और लगातार जनता के बीच पहुंचकर जनता के मुद्दों को मुखरता से उठाया। अपनी सादगी और दमदारी के बूते 1982 में नगर निगम इंदौर के पार्षद बने, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और लगातार एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। 1985 में पहली बार सांवेर से विधायक चुने गए। सिलावट वर्ष 1998 से 2003 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे और 2018 के विधानसभा निर्वाचन में सिलावट सांवेर विधानसभा से चौथी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए, जिसके बाद उन्हें सीएम कमलनाथ ने अपने कैबिनेट में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। तुलसीराम सिलावट सांसद और कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं। मिलाकर उनके मंत्री बनने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ापन समाप्त होगा, लेकिन गांव के बेटे ने कैबिनेट मंत्री तक सफर तय कर यह साबित कर दिया कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। विश्वास मनुष्य के सफल जीवन का सूत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।